हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है. और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए. लेकिन खैर, इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल. हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है. पाकिस्तान की अवाम को क्या चाहिए, अवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखें, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें. आप फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है. अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना. मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा. क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है, और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है. बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में. दोस्तों, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर की मानी जाती है. दोस्तों, भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. देश ने अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 6000 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंच सकती है. यह परीक्षण भारत की रक्षा और सुरक्षा उपायों के लिए एक महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाता है. अग्नि 5 मिसाइल एक शक्तिशाली और विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन की गई है, जिसमें एक परमाणु युद्ध प्रक्षेपक शामिल है. इस मिसाइल की 6000 किलोमीटर की रेंज भारत को विभिन्न रक्षा और सुरक्षा संबंध उत्पादों के लिए एक बड़ा लाभ प्रदान करती है. बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है. एंड आल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5, 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था, और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है. एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन. रक्षा मंत्रालय के अनुसार अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक 8 मार्च को किया गया था. मिसाइल का उपयोग विभिन्न युद्ध प्रक्षेपों, सेना और वायुसेना की ताकत को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है. भारत रक्षा विज्ञान क्षेत्र के प्रमुख धाराओं में से एक अग्नि मिसाइल प्रोग्राम ने देश को विश्व स्तरीय स्थिति में रखने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह परीक्षण भारत की रक्षा क्षमता को विकसित करता है और उसे एक आधुनिक और ताकतवर रक्षा प्रणाली के रूप में स्थापित करने में मदद करता है. भारतीय सेना के प्रमुख ने इस परीक्षण को एक महत्वपूर्ण कदम घोषित किया है. वे इसे देश की रक्षा और सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मानते हैं. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अग्नि 5 मिसाइल की सफलता विश्व भर में बड़े पैमाने पर खुशी के साथ स्वागत की जा रही है. यह विजय भारतीय रक्षा क्षमता की प्रदर्शन करती है और देशों की सुरक्षा उद्योगों में एक ऊर्जा और संभावनाओं की ओर प्रेरित करती है. अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भारत के रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है, जिससे देश की सामरिक ताकत को और भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. इस परीक्षण ने भारत में अपनी गरिमा को और भी मजबूत करने का संदेश दिया है. यह भारत के सामरिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर है, जो देश को विभिन्न विश्व में अग्रणी भूमिका में स्थापित कर सकता है. अग्नि 5 मिसाइल की इस सफलता को देखते हुए भारतीय सरकार और सेना ने देश की रक्षा को और भी मजबूत करने के लिए नए उत्पादों और तकनीकों के विकास पर और अधिक ध्यान देने का ऐलान किया है. भारत के इस नए उपलब्धि ने देश की गरिमा और ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है. यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश को एक नई और ऊर्जावान भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगा. इस परीक्षण से भारत के लोगों के लिए गर्व और सम्मान बढ़ सकता है. यह विजय देव देश के वैज्ञानिक अभियंतियों और सेनाओं के जाबाज जवानों के कठिन परिश्रम का परिणाम है. इस राष्ट्रीय उपलब्धि को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को बधाई दी और इसे एक महत्वपूर्ण और गर्वान्वित करने वाला कदम बताया, जिसे विशेष रूप से भारत की सुरक्षा में सहायता मिलेगी. भारत की रक्षा और सुरक्षा में इस नए उपलब्धि का महत्वपूर्ण योगदान है, जो देश को एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने में मदद करेगा. यह भारत के अगले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों में अग्रसर होने का सपना देख रहे हैं. धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का वीडियो. अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए मेजर अपडेट के साथ. तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.